द्योत में आयोजित जनमंच के दौरान हुई बहस बहसाई को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने बकायदा पत्रकार वार्ता आयोजित कर आरोप लगाया है कि जनमंच में जनता की समस्याओं को दरकिनार किया जा रहा है, जबकि चुनिंदा लोगों की बातों को ही महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले प्री मंच, फिर जनमंच और बाद में आफ्टर जनमंच किए जा रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि जब शिकायतों का निपटारा उपायुक्त द्वारा ही किया जाना है तो जनमंच पर लाखों रुपए क्यों बहाए जा रहे हैं। द्योत में आयोजित जनमंच के दौरान हुई बहस बहसाई को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए नैना देवी क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने बकायदा पत्रकार वार्ता आयोजित कर आरोप लगाया है कि जनमंच में जनता की समस्याओं को ही दरकिनार किया जा रहा है, जबकि चुनिंदा लोगों की बातों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले प्री जनमंच, फिर जनमंच और बाद में आफ्टर जनमंच किए जा रहे हैं। कार्यालयों से अधिकारी गायब हैं। लोग जब दूरदराज के क्षेत्रों से कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर कोई अधिकारी नहीं मिलते हैं, जबकि जनमंच में इस बार आई शिकायतों में से 195 को उपायुक्त को दे दिया गया। रामलाल ने कहा कि जब शिकायतों का निपटारा उपायुक्त द्वारा ही किया जाना है तो जनमंच पर लाखों रुपए क्यों बहाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि द्योत में इतनी पुलिस की तैनाती कर दी गई थी जैसे कोई यहाँ आतंकवादी गतिविधि हो गई हो। खुद मुख्य अतिथि महोदय 11:30 बजे मंच में आई, फिर प्रदर्शनियों आदि की अवलोकन कर काफ़ी देर बाद जब मुख्य अतिथि मंच पर आसीन हुई तो ऐसे ऐसे मामलों में उनके द्वारा दखल दी गई जो किसी भी लिहाज से तर्क संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में जब SDM या पुलिस के अधिकारी को मंच से पूछा जाता है तो कानून की वैधता के क्या मायने रह जाते हैं। SDM एक न्यायिक दंडाधिकारी गरिमामयी पद पर आसीन है, ऐसे में उन्हें भरी जनता के बीच न्याय करने के लिए आदेशित करना लोकतंत्र की हत्या के समान है। ऐसे ही कई राजस्व के मामलों में अधिकारियों को निशानदेही करने और साथ पुलिस ले जाने के फरमान भी मंच से दिए गए। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा कि जनता के सामने अपने चहेतों की बातों पर वरिष्ठ अधिकारियों को लताड़ा जा रहा है। वहीं भाजपा के एजेंट इन जनमंचों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनमंच की परिभाषा ही असहज है। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या के 120 मामलों को एक्सियन कुमार में देख रहे थे, जिन्हें मुख्यालय के एक्सियन के अवकाश पर बुलाया गया था, वे भी ऐसी शिकायतों पर क्या कुछ बोलते, लिहाजा अधिकारी महोदय बातों को टालते दिखे। खराब सड़कों को लेकर पदयात्रा करने वाले लोग भी सड़कों की दुर्दशा पर मौन है। अब जबकि जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है तो अब केवल लोगों को गुमराह करने की बातें हो रही हैं। है कि आप इसका फैसला कैसे करो। दूसरे जो पुलिस जिन केसों की क्रिमिनल केसेस की इंक्वायरी कर रही है, क्या पुलिस को ये कहा जा सकता है कि आपकी इंक्वायरी किस दिशा में जानी चाहिए, जल्दी से करो। तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस जनमंच का महत्व क्या रह जाता है। जब आप हर जगह इंटरफेयर कर रहे हैं, आप क्रिमिनल केसेस को भी डिसाइड कर रहे हैं, आप जो कॉसाई जुडिशरी जो केसेस हैं आप उनको भी एपेलेट जो वर्क चले हुए उसमें भी आप दखल दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये जनमंच जो है ये फिर तमाशा बन के रह गया है जो प्रक्रिया आज की तारीख में चली है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब डिपार्टमेंट्स के पास पैसा नहीं है, ज़्यादा केसेज जो आए हैं वो आए हैं पीडब्ल्यूडी के पास पैसा नहीं है, पीडब्ल्यूडी के पास रख रखाव का पैसा नहीं है, बिजली बोर्ड के पास रख रखाव का पैसा नहीं है, IPH के पास रख रखाव का पैसा नहीं है, तो बरसात की वजह से जो नुकसान हुआ, अगर मान लो मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं, मेरे चुनाव क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। आज सड़कें बंद पड़ी है और प्रायोरिटी सरकार की ये है कि ये जो नेशनल हाईवे 21 है इसको ठीक रखना है, क्योंकि लाहौल स्पीति, कुल्लू और हमारे मनाली का और मंडी के तरफ से जो सेब और सब्जियाँ आनी है वो रोज़ यहीं से आ रही है, ट्रक हमारे यहाँ से सीमेंट के जा रहे हैं, इसलिए इस सड़क को सही रखना ये प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश की सरकार की है। लेकिन ये तो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे वालों से एक भी पैसा नहीं मिला है और निहाय वालों से भी एक पैसा नहीं मिला है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये कह रहा है कि जो नेशनल हाईवे है This has been denotified. क्या कोई नेशनल हाईवे डीनोटिफाई हुआ आज की तारीख में? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो वीरभद्र सिंह की सरकार थी
तो दिल्ली में जब बात करी थी सर पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब मंत्री होते थे, तो इस सड़क की रिपेयर के लिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी जो है ये फोर लेन वालों की है कि जब तक फोर लेन नहीं बढ़ जाती है, जो पुराना हमारा नेशनल हाईवे की है, इसकी रिपेयर और उसको फिट रखना जो है ये फोर लेन की ड्यूटी बनती है। और वो पैसा 9 करोड़ रुपए आया था, उसमें रणधीर शर्मा जी ने जब काम शुरू हो गया तो उन्होंने पदयात्रा करी थी। अब पदयात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? अब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के शासन में फोर लेन का काम बंद हुआ। अरे दिल्ली में आपकी सरकार थी, आज भी सरकार है, उस टाइम भी जो है वो मोदी साहब की सरकार थी और गडकरी साहब जो है वो उसमें भी सर पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। सारे के सारे काम उसी समय के बंद पड़े हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, इसको यही मालूम नहीं है मैंने क्या बोलना है। और इस ढंग से लोगों को भ्रमित करने के लिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे को जो है रेस्टोरेशन का पैसा नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में देखा जाए तो जो डीसी जो बिलासपुर है उनको आपने केसेस 195 केसेस दे दिए। अगर आप लोगों की समस्याओं को सुने कि नहीं, 1.5 घंटे में जो है वो 1.5 घंटे लेट जो है वो मंत्री जी आई, 1.5 घंटे में निपटारा हो गया, 195 केसेस डीसी को दे देंगे, वो डीसी सुनेगा। उसके बाद जो है वो जैसे आईपीएच के केसेस हैं, ये आईपीएच के केसेस टोटल 120 है, इनका निपटारा भी डीसी करेगा। अगर मान लो पीडब्ल्यूडी के 84 केसेस हैं, इनका भी निपटारा डीसी करेगा। तो फिर जनमंच का क्या मतलब है जब आज लोगों को जो है माकूल पैसा जो है वो नहीं मिला है? रिपोर्ट तक जो है वो जो पंचायत सेक्रेटरी हैं या मैं कहूँगा कि जो पटवारीज हैं वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, बोल रहे हैं टेलीफोन करवाओ पहले तब रिपोर्ट होगी। तो मैं कहूँगा इस प्रकार से लोगों को न्याय मिलने वाला नहीं है। और ये फैसला कर लें कि कौन सा केस जो है आपने जो है वो ये जनमंच में सुनना है और कौन सा नहीं सुनना है। ये मैं कहूँगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहे हैं कि क्रिमिनल केसेज में भी डायरेक्शन दो, जो अपील में केसेज चले हुए उसमें भी आप अधिकारियों को खड़ा करो और कहो कि जी इसका फैसला जल्दी से करो, ये नहीं होना चाहिए। और मैं कहूँगा इसको चलने भी नहीं देंगे, अगर ये गलत करेंगे तो लोगों के पास जाके, लोगों के दरबार में जाके सारी बातों को हम स्पष्ट करेंगे लोगों के सामने कि क्या हो रहा है।